जबकि लेटर वैदिक पीरियड में आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम वन थाउजेंड टू कहीं जगह सिक्स हंड्रेड मिलेगा कहीं जगह फाइव हंड्रेड बी सी मिलेगा आप फाइव हंड्रेड प्रेफर कर सकते हो सो so, इस लेक्चर में आज हम लेक्स की इनकी पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी जैसे आज की जो पॉलिटिकल लाइफ होती है प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनसे ऊपर प्रेसिडेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर को हर डिटेल प्रेजिडेंट को देनी होती है उसी तरह से इनका कैसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था तो वो सब देखेंगे हम आज इस लेक्चर के अंदर तो वेन इट कम्स टू पॉलिटिकल लाइफ ऑफ ऑफ्वेदिक पीपल तो एक तो ये ट्राइबल सोसाइटी थी ठीक है ट्राइबल सोसाइटी का क्या मतलब होता है आप आज भी अगर इंडिया को देखो तो तीन तरह की सोसाइटीज आपको मिलती हैं कैसी कैसी एक मिलती है रूरल एक मिलती है अर्बन एंड फाइनली एक मिलती है ट्राइबल ठीक है तो ट्राइबल जो होते हैं ये अभी भी बहुत ही प्रीमेटिव लाइफस्टाइल स्टाइल नहीं बोलेंगे थोड़ी गलत टर्म हो जाती है अगर एंथ्रोपोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इसको बोलेंगे सिंपल लाइफ ठीक है सिंपल लाइफ ये बिलीव करते हैं मतलब अपनी के लिए ये करते हैं मतलब स्टिल यू विल सी कि ये हंटिंग पे भी डिपेंड होती है कुछ ऐसी ट्राइब्स देखने को मिलेंगी ठीक है कुछ जो होती हैं बहुत डेंजर ट्राइब्स भी होती हैं वो चाहती नहीं है कि ये रूरल और अर्बन इनके साथ मिक्स हों ठीक है तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइब्स तो उसी तरह से रिग पीरियड में भी आपको ट्राइब्स देखने को मिलेंगी तो ट्राइबल सोसाइटी थी अब सेमिनोमेडिक थे सेमिनोमेडिक का मतलब था कुछ टाइम के लिए एक जगह पे रहेंगे फिर उस जगह से दूसरी जगह पे चले जाएंगे जाएंगे क्यों क्योंकि यहाँ पे मान लो फूड कम पड़ रहा है तो इनको थोड़ा फूड देखना पड़ेगा और फूड की अवेलेबिलिटी के हिसाब से वो उस जगह पे शिफ्ट कर देंगे तो इससे दो बातें क्लियर हो जाती हैं एक तो ये कि इनको ये रहता था कि हाँ जो लैंड है वो अपनी फर्टिलिटी दोबारा से रीगेन कर लेगी और दूसरी बात दोबारा से जो फूड है वो भी वहां पे डेवलप कर जाए ठीक है तो इस, इसी वजह से ये क्या करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते रहते थे एंड आफ्टर दैट दैट पीपल पीपल को को पे एक टर्म देखने मिलेगी इज जनाज वेरी इंपॉर्टेंट अभी ऋग्वेदिक पीरियड में पढ़ रहे हैं जनाज ठीक है इसके बाद ये वैदिक पीरियड में जनाजी चलेगी आपके ऋग्वेदा में भी और अलीवेदा में भी इसको जनाजी बोला जाएगा फिर उसके बाद आ जाएंगे जनपद कहीं ना कहीं लेटो वेदिक पीरियड के एंड में जैसे आपको जनपद देखने को मिलते हैं फिर आ जाएंगे आपके महाजनपद ठीक है जैसे वैदिक पीरियड लेटो वैदिक पीरियड खत्म होगा आपका क्या आ जाएगा महाजनपद तो जना जो है ये आपके ऋग्वेद में भी देखने को मिलती है बट जैसे जैसे लेटर वेदिक पीरियड के हम एंड स्टेजेस पे पहुंचेंगे तो वहां पे जनपद बन जाएगा ठीक है जना मतलब इंपॉर्टेंस टू पीपल और जनपद मतलब इम्पोर्टेंस टू दी लैंड टेरिटरी जो लोगों की लैंड टेरिटरी है उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है बट अगर रिग वेदिक पीरियड में देखें तो यहाँ पे जना मतलब जो पीपल थे उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है फिर आते हैं चीफ अब देखो ये कोई ट्राइब है इनका कोई ना कोई चीफ होगा ठीक है उस चीफ को बोलते थे राजन अगर तो ये कोई जनता से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहा है तो इनको बोला जाएगा राजन बट अगर कोई इंसिडेंट्स है जो कि कौ से रिलेटेड है ठीक है कऊ जो थी वेरी इंपॉर्टेंट थी ड्यूरिंग द दिग्गेदिक पीरियड कऊ के लिए लड़ाइया भी होती थी और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट भी कऊ की वजह से होते थे तो मतलब एक तरह से वेल्थ था उस टाइम के लोगों के लिए ये ठीक है आई जस्ट होप होना आपको पता चल गया तो उस टाइम पे उस चीफ को बोल दिया जाता था गोपति या फिर गोपा अब जो चीफ होता था कोई चीफ क्वीन भी होगी ठीक है तो चीफ क्वीन जो थी उसको बोला जाता था महेशी एज यू कैन सी हियर पन्नीस वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इसको मार्क कर लो ये, देखो एक तरफ तो थे आर्यंस ठीक है और एक तरफ थे पन्नीस ये क्या होते थे आर्यंस की होती थी काउस जो कि उनका वेल्थ था एक तरह से अब ये पन्नीस क्या करते थे ना इनको स्टील कर लिया करते थे चोरी कर लेते थे किसकी इन गायों की और चोरी करते थे तो उनकी वजह से क्या हो जाती थी गव्यूथ गव्युत जो थी दैट वॉज काइंड ऑफ फाइट तो नेक्स्ट टर्म क्या है गवयुत गुत होती है फाइट और ये जो पन्नीस थे देवर द एनिमीज ऑफ होम एनिमीज ऑफ आर्यंस ठीक है उसके बाद अगर पॉलिटिकल लाइफ में ही देखें अगेन तो मुनार्क सिस्टम था मतलब की तरह था कि राजा जो था वो एक ही हुआ करता था बट नहीं था ज़रूरी नहीं था कि जो पहले था राजा उसका लड़का ही राजा बनेगा नो दॉट इम्पोर्टेंट तो हैरीडिट्री नहीं था अगर इम्पोर्टेंट ट्राइबल असेंबलीज देखें तो हुआ करती थी जैसे एक को बोला जाता था सभा समिति विधाता और गणा ये आपको एज इट इज पता होनी चाहिए तो यहाँ पे पहली तो आती है सभा सभा में क्या किया जाता था जो सभा थी ना इसके कैरेक्टर लिख लो साथ में छोटी बॉडी होती थी स्मॉल बॉडी थी और एलिट्स हुआ करते थे इसमें एलिट्स का मतलब है जो बड़े बड़े लोग होते थे ना जिनकी एज भी ज्यादा थी तो एज ज्यादा होने का क्या मतलब होता है ये नहीं कि बुढ़्ढे हो गए बट उनका जो एक्सपीरियंस है वो ज्यादा हो चुका है तो होती थी सभा फिर आती है समिति समिति में क्या किया जाता था सारे अलाउड होते थे बहुत सारे मेंबर्स होते थे इसके ऑल द फिर वो क्या किया करते थे जो उनका चीफ है राजन है उनको इलेक्ट किया करते थे फिर आती है विधाता विधाता में क्या होती थी ट्राइबल असेंबली होती थी ये भी और इसमें क्या होता था डाइवोर्स फंक्शन होता था अब डायवर्स फंक्शन से क्या मतलब है यहाँ पे अब जैसे आज का इंडिया है जो उसका अगर पॉलिटिकल सिनारियो देखें तो सबसे ऊपर आता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ठीक है उसके अंडर आ जाता है फिर कैबिनेट कैबिनेट में आपकी जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आ गई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आ गई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आ गई फिर उन बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज के अंडर और मिनिस्ट्रीज आ जा जाती हैं छोटे वाली ठीक है तो डायवोर्स फंक्शन होता था उसी तरह से पीरियड में विधाता हुआ करता था विधाता में डायवोर्स फंक्शन बताए जाते थे मतलब लोगों को थोड़ा थोड़ा करके बांट दिया जाएगा कि ये वाली जो ये वाला जो पार्ट है वो ये चीज कंट्रोल करेगा फाइनेंसिस हो गए रेवेन्यू होगी या फिर आर्मी का कोई स्ट्रक्चर था उसको कंट्रोल करना है तो वो सारा किसमें आता है विधाता में इसमें जो आर्मी थी वो एमरजेंसी में बनती थी फर्दर उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती थी तो मिलिट्री टेक्निक्स इनकी अगर हम देखते हैं तो देट वॉज रियली वेरी एडवांस्ड तो थोड़ा सा देख लेते हैं अबाउट द मिलिट्री टेक्निक्स काफी ज्यादा एडवांस थी कैसे पता चलता है क्योंकि हमें रिग्वेदा में एक टर्म मिली है इज़ द सेनानी सेनानी का मतलब होता है हु इज चीफ ऑफ आर्मी जो आर्मी का चीफ होगा उसको क्या बोल दिया जाएगा सेनानी फिर आते हैं ग्रामीणी ग्रामीणी क्या होता था ये हुआ करता था लीडर ही अगेन लीडर किसका होगा जो विलेज का और विलेज में भी स्पेसिफिकली जो फाइटिंग यूनिट हुआ करती थी उनके लीडर ओके okay? फिर कैरियट सुनने को मिलते हैं रथ उनके पास हुआ करते थे तो अगर रथ प्रेजेंट थे तो ऑब्वियसली वो फाइट में भी एमिनेंट थे फिर एक टर्म आती है वर्मा वर्मा होता है कोर्ट ऑफ मेल आपने देखा होगा कि घोड़े के ऊपर जब ये राजा लोग बैठा करते थे तो एक कोर्ट सा डाला होता था तो वो भी एक टर्म देखने को मिली है वर्मा बोलते थे ये लोग उस कोर्ट को फिर सिर के ऊपर एक हेलमेट सा पहन के रखते थे ये तो हेलमेट जो है उसको बोला जाता था ऋग्वेदिक टाइम में सिप्रा या साइरो नास्त्रा तो दैट इज हैविंग अ सेम मीनिंग

उसके बाद क्या होता था जो अब देखो आर्मी चलानी है तो उसमें क्या चाहिए था पैसा उस टाइम पे पैसे का भी कॉन्सेप्ट नहीं था तो एक जो अनाज वगैरह होता था वही दे दिया करते थे तो बलि दी जाती थी एक तरह से ना सिर्फ आर्मी के लिए जो चीफ भी हुआ करते थे राजन भी हुआ करते थे जो कि पूरी मेंटेनेंस कर रहे होते थे लोगों की तो उस केस में भी क्या किया जाता था बलि दी जाती थी ये जो बलि होती है दैट इज द वाली ऑफरिंग्स मतलब लोग खुद आके दिया करते थे क्योंकि उनको पता है जब मुश्किल आएगी तो कौन बचाएगा राजा नहीं बचाएगा दैट्स दे टू गिव उसके बाद पॉलिटिकल लाइफ आती है पीपल की तो जो आर्यस थे ना वो दो तरह की बैटल्स में इन्वॉल्व थे एक तो प्री आर्य के साथ जिनको ये दास और दास बोलते थे एज यू नो कि जो आर्यस थे ये खुद को कैसी इनकी स्किन कैसी थी फेयर थी बट जो ऑलरेडी इस रीजन में जब हम इंडिया की बात करें उस टाइम का तो ये तो यहाँ तक फैला हुआ था पाकिस्तान वाला एरिया भी था तो यहाँ वाले जो लोग थे उनकी थोड़ी डार्क कॉम्प्लेक्शन हुआ करती थी तो डार्क कॉम्प्लेक्शन होने की वजह से थोड़ी सी यहाँ पे इनमें सुपीरियर इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आ गया था तो इनके साथ साथ इनकी फाइट हुआ करती थी दैट इज दास दास यूज। दास एंड यूज जो थे ये इनको क्या बोला जाता था स्लेव्स फिर उसके बाद बैटल ऑफ टेन किंग सुनने को मिलती है जो बैटल ऑफ टेन किंग थी ना ये थोड़ा सा फैक्चुअल है ये आपको पता होना चाहिए बैटल ऑफ टेन किंग पहली तो मानी गई जो पहली थी पहली मानी जाती है कि एक भरता ट्राइब होती थी उसी ट्राइब के नाम पे भारत भी इंडिया को बोला जाता है तो एक भारत ट्राइब हुआ करती थी जिसमें किंग हुआ करते थे दिवो दास तो इनकी लड़ाई हो जाती थी किसके इनकी लड़ाई होगी किसके साथ जो एक दासा रूलर थे जिनका नाम था शम बारा तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और जीतते कौन है तो दिवो दास फिर दिवोदास का ही लड़का एक और आता है तो जब वो चीफ बन जाता है तो उसको नाम दिया गया था चीफ सुधा नेक्स्ट पे देखते ग्रैंडसन था, था? था। अगेन भारत ट्राइब से ही था और किसका ग्रैंडसन था ऑफ दिवोदास जो ये पिछली लड़ाई होती है ना इसमें दिवोदास जीते थे अब सुधा आ गया जो कि किसका ग्रैंडसन था तो दिवोदास का तो यहां भी कौन जीता है देवोदास ही होता है तो उसको बैटल ऑफ टेन किंग्स भी बोला जाता है या जिसको अगर संस्कृत में देखें तो दस राजन दस राजाओं के बीच में बैटल तो ये जो चीफ सुदा था इसकी लड़ाई हो जाती है किससे पांच ट्राइब्स थी फाइव में फेमस ट्राइब्स थी जिनको पंच जना भी कहा जाता था और वो ट्राइब्स कौन कौन सी थी याद रखना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है यादु तुरवाशा, पुरु ध्रुव अनु ठीक है यहां पे कौन जीत जाता है तो चीत सुधा जीत जाता है ठीक है आफ्टर दैट क्या होता है कि ये जो बैटल हुई थी दस राजन की ये हुई थी ऑन द तो इन्होंने क्या किया ये जो आपकी भर्ता ट्राइप थी ना इन्होंने क्या किया पुरुष के साथ अलायंस बना लिया और पुरुष के साथ जब अलायंस बनाया तो जो भारत और पुरु मिल गए तो इन्होंने बना दिया कुरु कुरु बनाने के बाद फर्दर इन्होंने पंचाल जो हुआ करते थे अगर आप इंडिया का यहाँ पे थोड़ा सा मैप देख लो इस तरह से इस वाले एरिया में होते थे पंचाल्स फिर ये भारत तो और जो कुरु हुआ करते थे इन्होंने कुरु बना दिया अभी जो कुरु थे ये फर्दर पंचाल के साथ अलायंस बना देते हैं और फिर ये जो गंगा वाला एरिया था गंगा दोआब था यहाँ पे अपना रूल करते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट योर पॉलिटिकल लाइफ ऑफ ऋग पीपल तो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा दैट वुड बी बेस्ड ऑन द सोशल लाइफ सो आई जस्ट होप आपको लेक्चर समझ आया समझ आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें टिल देन बाई टेक केयर थैंक यू एंड हैव है नाइस डे